वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कीमा प्याज बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है और इसको धो के अच्छी तरह हमने छान लिया है। मसाला जात में हमने 1 चम्मच चिली पाउडर, 1/2 चम्मच टर्मिक और गरम मसाला, हसबे जायका नमक और साबुत धनिया लिया। थोड़ा सा हमने इसको पीस लिया है। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है और फिर हमने 3 टमाटर लिए हैं। प्याज थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि हम कीमा प्याज बना रहे हैं। 4 हमने चिल्लीज ली हैं और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। तो चले हम अभी बनाते हैं कीमा प्याज। ये आधा कप हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमने डाल लिया है और इसको गर्म होने के बाद हम इसमें कीमा मिक्स कर देंगे। भी इसमें कीमा ऐड करेंगे। प्याज को हम इस तरह रिंग्स में काट लेंगे। जितनी देर में हमारा कीमा पक रहा था तो इतने में हमने ये सब कुछ काट लिया है। प्याज हमने रिंग में काटी है, टमाटर भी हमने मोटे मोटे काट लिए हैं और यहाँ अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। मसाला जात वगैरह सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखें, हमारे मसाला जात सारे पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें अदरक पेस्ट डाल देंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट।